फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। पूर्व मेयर और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की परेशानियां अब बढ़ गई हैं। उनकी ये परेशानी खुद उनके ही परिजनों ने बढ़ा दी है। खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाना उनका शगल हो गया है। अभी तक दहशत फैलाकर पैसे के बल पर समझौता कराते आ रहे थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अपनी गोली से घायल लोगों से अस्पताल में मिलना और फिर मिलकर प्रेस को बड़बोले बोल पूर्व मेयर शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक को भारी पड़ गए। पुलिस ने राशिद को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो लोगों को घायल करने के मामले में राशिद के अलावा शाहिद अखलाक का बेटा साकिब, भतीजा यासिर समेत कई अन्य लोग नामजद किए गए हैं। शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत गुदड़ी बाजार में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का परिवार रहता है। गुदड़ी बाजार बेहद संकरी गलियों से घिरा हुआ है और शहर के प्राय दंगे के हालात पैदा होने के कारण काफी समय पूर्व एक ही संप्रदाय का रहन सहन वहां शुरू हो गया। मीट की फैक्ट्री, राजनीतिक पहुंच, मोटा पैसा, ये तीन वजह है कि इस क्षेत्र में अखलाक परिवार का सिक्का चलता आ रहा है। बीती 10 सितंबर की सुबह बच्चों के क्रिकेट के विवाद के चलते क्षेत्र में तनाव हो गया था। समझौते के प्रयास हुए, लेकिन रात होते होते नौबत जान से मारने तक आ पहुंची। पुलिस के मुताबिक शाहिद अखलाक का छोटा भाई राशिद अखलाक, बेटा साकिब, भतीजा यासिर अखलाक गुदड़ी बाजार पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सभी के हाथ में पिस्टल बताए गए। आरोपी की सलाउद्दीन पक्ष की ओर से आकर इन लोगों ने 60 साल के आशिक और 15 वर्षीय अमान को गोली मार दी। अंधाधुंध फायरिंग और दो लोगों को गोली मारने की घटना से वहां दहशत और अफरातफरी फैल गई। जान को खतरा पाते हुए लोगों ने स्वयं को अपने घरों में कैद कर लिया। आरोपी पक्ष इसके बाद हवा में बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए चले गए। इन दोनों घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पूर्व सांसद के भाई राशिद अखलाक, बेटे साकिब, भतीजे यासिर समेत 6 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। अखलाक परिवार का पुलिस कोतवाली क्षेत्र में खासा दबदबा रखता है, लिहाजा कोतवाली पुलिस ने तुरंत ही कोई कार्रवाई नहीं की। जब SSP अजय साहनी को यह पता चला तो उन्होंने इंस्पेक्टर को आड़े हाथ लिया, साथ ही निर्देश दिए कि जिसने भी गोली चलाई है उसकी गिरफ्तारी हर हाल में की जाए। बावजूद इसके कोतवाली पुलिस अखलाक के घर पर दबिश डालने का नाटक करती रही। घटना के अगले ही रोज जैसा हमेशा होता आ रहा था, दोनों पक्षों में समझौता करा लिया गया। समझा जा सकता है कि ये समझौता किस आधार पर हुआ होगा। यहाँ तक जो एज यूजुअल था, लेकिन हद तक हो गई जब राशिद अखलाक अस्पताल पहुंचा और घायलों से मुलाकात की। यही उसने फोटो खिंचाए और पत्रकार से भी बात की। राशिद ने साफ कहा कि इस मामले में समझौता हो चुका है, दोनों पक्ष लिखकर दे चुके हैं, समझौता नामा पुलिस को दे चुके हैं, लेकिन यदि पुलिस ये नहीं मानती है तो अदालत का रास्ता भी उनके पास है, वो अदालत चले जाएंगे। राशिद का ये बड़बोलापन अखबारों में प्रकाशित हुआ तो दबिश का नाटक कर रही पुलिस की परेशानी पर बल पड़ गए। इसके अलावा ही पेट्रोल कारोबारी संजय का घर पुलिस द्वारा सील किए जाने के दौरान अखलाक परिवार के उत्पाद का मामला भी शहर के कारोबारियों के बीच उठने लगा। इन लोगों का कहना था कि जो लोग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, शहर में दहशत फैला रहे हैं, पुलिस उन पर मेहरबान है, जबकि केरोसिन का अधिक भंडारण मिलने पर कारोबारी का घर सील कर दिया जाता है। इसका असर हुआ लेकिन अफसरों पर, जबकि कोतवाली पुलिस अपनी हरकत से बाज नहीं आई। छोटी छोटी उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता बुलाने वाली पुलिस ने बेहद गुप्त तरीके से राशिद अखलाक को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उधर पुलिस कप्तान अजय साहनी का कहना है कि हाजी शाहिद अखलाक और राशिद अखलाक दोनों को ही कोतवाली थाने में हिस्ट्री शीट खुली हुई है। शाहिद के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की रिपोर्ट प्रशासन को दी जा चुकी है। उनका कहना है कि दहशतगर्दी में जो भी लोग शामिल हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अखलाक परिवार में केवल शाहिद के नाम ही लाइसेंस है, अन्य के पास नहीं। यहाँ सवाल उठता है कि फिर अन्य लोगों ने कौन से हथियारों से फायरिंग की और बाकी आरोपियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पूर्व में भी शाहिद का लाइसेंस निरस्त करने की प्रशासन को संस्तुति दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन क्यों जानबूझकर फाइल दबाए बैठा है ये समझ से परे है। अब पुलिस को दोबारा से ये संस्तुति करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हम इजाजत मांगते हैं, लेकिन इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट को आपके सामने लाकर जरूर रखेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लगातार अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।